अपने शरीर के लिए अपने आत्मा के लिए नेगेटिव क्यों सोचे? ये सोचना ही हमारी आत्मा का भटकाव है। इसलिए तो भगवान महावीर स्वामी जी ने शादी करी और शादी करने के बाद में एक बेटी हुई और होने के साथ ही उन्होंने संन्यास ले लिया। ये सोच ले कि बेटी का ब्याह होएगा फिर जाकर के संन्यास लेऊंगा, तो समझो कि भगवान महावीर स्वामी जी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ जुड़ा हुआ था। और देखो उनकी घरवाली भी कितनी महान है कि उन्होंने मना, हाँ वरना ना घरवालियां रोक देती है, बैठो ठिकाने, मेरे को काय के लिए पियर से उठा करके लाए है, इसलिए लाए थे कि शादी करने के बाद में, बच्चे पैदा करने के बाद में मैं संत बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, सन्यास आश्रम को मैं स्वीकार करूंगा इसलिए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी की धर्म पत्नी कितनी महान होगी कि एक सेकंड के लिए भी मना। लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी उर्मिला कितने महान होगी कि उन्होंने एक सेकंड के लिए भी मना नहीं किया कि जाओ आप राम जी का अपने भाई का साथ दो। तभी तो जाकर के हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा लक्ष्मण भैया तेरा नाम रहेगा, भरत जी का शत्रुघ्न जी का किसी का नाम रवे या ना रवे लेकिन लक्ष्मण भैया का नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 14 सालों तक मोह खत्म कर दिया धर्म पत्नी के प्रति। राम जी के साथ तो फिर भी उनकी धर्म पत्नी मातेश्वरी चिंता मैया थी लेकिन लक्ष्मण जी के साथ तो। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन काल के अंदर सब कुछ करो लेकिन कमल की तरह जिंदगी जियो। कीचड़ के अंदर कमल पैदा होता है, संसार एक कीचड़ है और उस कीचड़ के अंदर कमल पैदा होता है लेकिन वो कमल वहां पर पैदा होने के बावजूद भी कीचड़ से, ये तो आप लोगों ने देखा होगा। आप भी संसार के अंदर सारे काम करो लेकिन करने के बावजूद मन में भाव रखो, करते भी जाओ लेकिन भाव रखो कि मेरे को मजबूरी में करना, मैं करना नहीं चाहता, मैं नहीं करना चाहता लेकिन मेरे को मजबूरी में करना पड़ रहा है। परमात्मा तू ही ऐसी शक्ति दे आत्मा को आंदोलित करो, ही आत्मा तू ही मेरे को ऐसी शक्ति दे कि मैं इन चीजों से निवृत्त 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 होने का भाव रखूं। निश्चित बात है आपकी आत्मा का जो दर्जा है ना ऊपर बढ़ने लग जाएगा। और जो तुम भी गई थी पानी के अंदर एक 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 पतरा उतरता गया तुम भी ऊपर आ गई वापस, वही तुम भी जो डूब गई थी आवरण के कारण। यहां तक कहा जाता है कि 8 कर्मों के कारण हमारी आत्मा भटकती है। 8 कर्म ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, ये आपके सब्जेक्ट आप लोगों को गहराई से समझ आएंगे नहीं लेकिन मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा कि ज्ञानावरणीय कर्म यानी कि ज्ञान के कारण हम कितने कितने बिना कारण से छोटे छोटे कौन से इतने 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 पाप कर्म बांध लेते हैं। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि लिखे हुए कागज के पर हम बैठते हैं, लिखे हुए कागज पर हम लोग कोई वस्तु लेकर के खाते हैं तो निश्चित बात है आप के पाप कर्म बंद रहे हैं, 90% पाप कर्म बंद रहे हैं। जैसे लंगर होता है भंडारा होता है ना तो रसोई जो होते हैं कुक होते हैं उनको तो अखबार का कागज चाहिए और आप दे देते हैं तो समझो कि पाप कर्म किसके बंदे हैं, भंडारा कौन करा रहा है, रसोईया नहीं करा रहा, कुक नहीं करा रहा, कौन करा रहा है, अपन करा रहे हैं। तो और वहां पर अखबार हम लोग दे देते हैं पूरी रखने के लिए तो ज्ञान का अपमान किया है तो हमने पाप कर्मों का बंधन कर लिया। और ऐसे 8 कर्म
हमारी आत्मा से न बंधे, जिससे हमारी आत्मा इस संसार के अंदर मैं हूं। अब मैं मेरी बात कह देता हूं, मैं यहां पर रहता हूं तो मेरे को कोई मोह नहीं, और यहां से उठकर के कहीं और चला गया तो कोई मोह नहीं। अब 5 साल मान लो सुभाष जी सिंगला साहब के घर नहीं आया तो मेरे मन में तो मोह जागृत नहीं हुआ। अगर मेरे मन में मोह जागृत हुए, मैं तो हर साल ही आऊं इनके घर। मोह रखो, किससे रखो, कि आत्मा एक दिन हमारे गुजराती के अंदर बहुत एक है, भजन है, सुंदर है, आत्मा परमात्मा बन जासी, आत्मा परमात्मा बन जासी। कब बन जाएगी? मरने के बाद में, पशु योनि में जाने के बाद, नरक में जाने में, स्वर्ग में जाने में नहीं, इसी जन्म के। ये जो जन्म हमको मिला है, इसी जन्म के अंदर ही आत्मा हमारी परमात्मा एक ही है, मनुष्य योनि जिसके अंदर है। लेकिन हम लोग जब संसार के अंदर इधर उधर इधर उधर अलग अलग शहरों में अलग अलग गांवों के अंदर अलग अलग पिंडों के अंदर है विचरण करते ना, तो समझो कि 100 में से 99 लोग, एक कोई प्रसंग अलग हो जाए, बादल 99 लोगों की मोह माया कहां छुपी होती है, घर में, व्यापार में, परिवार में, बस चौथा सब्जेक्ट ही नहीं है। अब ऐसे आप लोग मोह माया ममत्व संसार की तुच्छ कार्यों के लिए रखेंगे तो आत्मा परमात्मा के बारे में कब सोचेंगे? कब सोचेंगे? सोच नहीं सकते। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, ऐसा प्रयास प्रारंभ करो, ये ना सोचो कि नहीं होएगा। एक कदम हम राइट साइड का आगे रखेंगे तो दूसरा कदम क्या करेगा? पीछे रहेगा, और दूसरा उससे आगे आने की कोशिश करेगा। एक कदम आगे रखो तो सही ना, और जब एक कदम आगे रखेंगे किसी भी कार्य के लिए तो डेफिनेटली मंजिल है। लेकिन हमारा टारगेट तो हुए ना, टारगेट तो हमारा कुछ नहीं है, हाई हाई करने का टारगेट है, हाई हाई करने का टारगेट है, हाई हाई करने का टारगेट है। मर गए कई हाई हाई करते हुए, कितने तो मर गए। महावीर स्वामी जी यही बात कहते, आप निर्मोह बन जाओ। अगर आपको यही सब कुछ करना था तो फिर आपको संत बनने की जरूरत नहीं, फिर आप संसार में बैठे रहते, फिर संत नाम की चतरिया को डब्बा क्यों लगाना? अगर है संत चतरिया पर आपने डब्बा लगाया तो समझो कि आपने न जाने कितने कितने जन्मों तक आपको भटकना पड़ेगा। या तो संत बनो मत, और बन गए तो निर्मोही, और 2 रोटी तो पेट भरना ना कहीं भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भिखारियों को भी तो रोटी मिल ही जाती ना, पशु पक्षियों को भी तो रोटी मिल ही जाती ना पेट भरने के लिए। तो आप अगर आप संत बन गए हैं तो निश्चित आप निर्मोही रहो। इतना निर्मोही अगर आप बन करके रहेंगे ना तो समझो कि आप परम हंस, परम हंस, परम हंस संत कहलाएंगे, और दुनिया रिजेक्टेड वाली नई स्थिति में रखेगी आपको, सिलेक्टेड वाली पीस में रखेगी। ये संत तो रिजेक्टर, ये संत सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि संत चंदरिया पहनना बहुत सरल है, संत को यही सफेद चंदरिया पहनना बहुत सरल है, पगमा चंदरिया पहनना बहुत सरल है, वस्त्री कुर्ता पजामा आपने कलर हटा दिया और भगवान पहन लिया, सफेद पहन लिया, कोई टाइम लगा नहीं। लेकिन मन को सेट करना, मन को समझाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिसने मन को समझा लिया वो तो परमात्मा का स्वरूप बन सकता है इस दुनिया के अंदर। इसलिए आप लोग ध्यान रखना है, जितना हो सके, ज्यादा तो नहीं, लेकिन खाने पीने के प्रति, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी खाने पीने की है। सबसे ज्यादा मोह किसके पर रहता है? हाँ, सुबह उठ गए तो, 10 बज गए तो, 15 बज गए तो,
बीस बज गए तो उस बस। और इसलिए प्रभु महावीर स्वामी जी ने 12.5 वर्षों तक ये खाने पीने के प्रति मोह रखा। हम इतना तो प्रभु महावीर स्वामी जी की तरह नहीं कर सकते, लेकिन उसका 10% भाग तो हम लोग जीवन में उतार ही सकते हैं। और 10% भी अगर आपके जीवन में उतर गए ना, तो आप इस दुनिया के अंदर महान होने चाहेंगे। पर्युषण पर्व के अंदर 11 कर्तव्य श्रावकों को करने योग्य होते हैं। उन 11 कर्तव्यों में एक कर्तव्य यही है कि खाने पीने के प्रति मोह। दूसरा कर्तव्य क्या है कि जीवों के प्रति सद्भावना रखनी। जो प्राणी होते ना, चींटे मकोड़े ये छोटे छोटे जो जीव जंतु, उनके प्रति सद्भावना रखनी। हमारी ओर से कोशिश 99.9 यहां तक तो कहा जाता है 100% ही कोशिश करनी चाहिए कि देखते देखते भी हमारी आंखों से दिख रहा है कि ये मरने की संभावना है, तो उसको बचाने की कोशिश करना। क्योंकि तो किसी को जीवन दान देना ये सबसे बड़ा महादान है, इससे ऊपर कोई दान है। आप भंडारे में दान नहीं करेंगे तो चलेगा, आप किसी मंदिर में दान नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो वो सबसे बड़ा दान है। ये नहीं इंसानों को, यहां तक कहा जाता है कि चिमटी के इर्द गिर्द पानी पड़ा है, अपने को लगता है कि पानी के कारण चिमटी मरने की संभावना है, तो उस चिमटी को फूंक मार करके उसको वहां से हटा करके उसको बचाने। जब मौत आएगी तो मरेगी, वो अपनी बात अलग है, अपन भी मरेंगे। एक बकरे को मारो, एक गौ माता को मारो, एक भैंस को मारो और एक चिमटी को मारो, कोई फर्क है क्या बताओ? फर्क नहीं। एक इंसान को मारो, एक चिमटी को मारो, एक गौ माता को मारो, एक भैंस को मारो, एक गधे को मारो, एक कबूतर को मारो, आत्मा सब में एक जैसी है। और हम लोग क्या सोचते हैं, यार चिमटी मर गई तो मर गई, लेकिन भैंस को नहीं मारना, बकरे को नहीं मारना। अरे चिमटी को इतनी मार दी तू भैंस की, एक की बात करता है, 100 चिमटियां तूने मार दी एक पांव रखने के बाद में, और फिर तू कह रहे शरीर तो बदला हुआ है ना, और तो कुछ नहीं बदला, आत्मा तो वैसी की वैसी है। इसलिए आपके घरों के अंदर जब कीड़े मकोड़े भी आते हैं तो कीड़े मकोड़े कब आते हैं, चींटी कब आती है बताओ? जब आपके रसोई के अंदर अच्छी तरह से सफाई नहीं होगी तो जाकर के कीड़ा मकोड़ा चींटी आएगी। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि बाई चांस अनजान पने में, जान बूझ करके नहीं, अनजान पने में अगर पांव रखा गया और कीड़ा मर गया है तो उसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चित कैसे करो कि आप तो जीवात्मा मरने वाली है और उसका इलाज कराने से वो बच सकती है, तो उसका इलाज कराने से आपका डायरेक्शन बदल सकता है। इधर तो कीड़ा मरा और उधर आपने किसी जीवात्मा का इलाज करने से करा करके बचा लिया, तो समझो उसका पाप वहां पर है। मैंने जो एनिमल बर्ड्स पशु पक्षी हॉस्पिटल खोलने का निर्णय क्यों लिया, मैंने बहुत गहराई से, बहुत गहरा चिंतन किया, बहुत गहरा चिंतन, पहले नहीं था, पहले ये 2007 के अंदर चिंतन आया कि नहीं मंदिर बनाएंगे तो 10 जने आएंगे मंदिर में दर्शन कर, 100 आ जाएंगे, कोई पर्व होगा तो 1000 आ जाएंगे, कोई जानवर रखेंगे तो 1,00,000 आ जाएंगे, लेकिन एनिमल बर्ड्स का हॉस्पिटल बनाएंगे तो ना जाने कितनी जीवात्मा, कितनी जीवात्मा, कितने जीवात्माओं को वहां पर इलाज होगा, तो उसकी दुआ अपन को मिलेगी और जो उसके अंदर डोनेशन करेगा उसको भी दुआ मिलेगी। एक पंथ दो काज होंगे। और इसलिए निर्णय लेने के बाद में मैंने ऐसा कार्य प्रारंभ किया।
पहले नहीं था ऐसा मन में, 10 साल तो मैं यूं ही सोचता रहा, सब मंदिर बना रहे, सब मंदिर बना रहे, सब आश्रम बना रहे, सब आश्रम बना रहे, संत समाज इसमें लगा हुआ है, संत समाज इसमें लगा हुआ है, लेकिन मन में विचार आए कि अपने को डिफरेंट लाइफ जीनी है। तब जाकर के मैंने कार्य प्रारंभ किया। आप लोगों से फिर भी कहना चाहूंगा, इन पर्वादी राज पर्व प्रदूषण के अंदर आप लोग जितना बन सके किसी न किसी जीवात्मा को बचाने की कोशिश करना, मरने नहीं देना ना। जब उसका आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन आयुष्य कर्म पूरा ना हुए और जान बुझ करके हम देखते देखते किसी को मार देवे तो समझना कि उसके लिए बचाव रखने की कोशिश करना। ऐसी मंगल शुभकामनाएं आप सभी भक्तों के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि प्रभु महावीर ने इन्हीं बातों का संदेश दिया है, प्रभु राम जी ने इन्हीं बातों का संदेश दिया है।